वाराणसी में चोरी और लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु वंचित इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी एवं घटनाओं के अनावरण के क्रम में बुधवार को शेखपुर थाना क्षेत्र में प्रभारी इंटेलिजेंट विंग ओम नारायण सिंह को सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराधी चोरी की बोलेरो सहित अपने साथियों के साथ में लोहटा के तरफ से किसी गंभीर घटना को अंजाम देने हेतु शेखपुर की तरफ आने वाला है। सूचना मिलते ही उन्होंने थाना अध्यक्ष शिवपुर शिवानंद मिश्रा को अवगत कराते हुए पिसौर पुल के समीप घेराबंदी करी। तभी एक बोलेरो आते दिखी। पुलिस वालों के रुकने के इशारे करने पर भी बोलेरो सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया। इस दौरान तेज रफ्तार बोलेरो लोहे के एंगल से टकरा कर रुक गई। पुलिस ने बल प्रयोग कर एक शातिर बदमाश अमन मलिक पुत्र अलाउद्दीन को पकड़ लिया, जबकि दो बदमाश अफजल और शुभम केसरी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। कई दिनों से एसएसपी बनारस साहब के निर्देश पे और चालकों के निर्देश पे वांछित प्रस्ताव घोषित और इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल हैं उनकी गिरफ्तारी का अभियान चल रहा है, जिसमें हमारी क्राइम ब्रांच और सारे थानों को निरीक्षित किया गया था। तो कल सूचना मिली जशीवपुर क्षेत्र में एक हमारा इन्वेस्टर का वांछित है और 5000 रुपये का इनामी अपराधी अमन मलिक है, ये आने वाला है कहीं चोरी की बोलेरो की खरीद फरोख्त के सिलसिले में। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और शिवपुर थाने की टीम वहाँ उसको घेराबंदी की और उसको गिरफ्तार किया और उसके दो साथी भागने में सफल रहे। इसी क्राइम हिस्ट्री कुछ पहले भी हाँ इसके ऊपर 307 रजिस्टर के मुकदमे हैं, हत्या का प्रयास, इस सब के काफ़ी मुकदमे, 10-12 मुकदमे और भी इसकी जानकारी की जा रही है कि कहाँ कहाँ से और इसके अपराधी इतिहास है और किस किस तरह के अपराधी गतिविधियों में संलिप्त। क्या बरामद हुई है सर इसके पास? इसके साथ एक पिस्टल बरामद हुआ है, चोरी के बोलेरो बरामद हुई है और 3 मोबाइल जिसके अपना आपराधिक घटनाओं में इसका उपयोग किया। क्या शहर में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा है? हाँ, ये एक पहले इसने इसके और इसके भाई ने, इसका भाई सलमान जो है वो अभी जेल में बंद है और कोई डिक्की सभासद को पहले इन लोगों ने हत्या का प्रयास किया था उनके खिलाफ, उसमें सलमान जेल में है और ये बाहर छूट किया गया था, उसी को मारने के फिराक में फिर से थे और उसी के लिए कई अपराधी घटनाओं को अंजाम भी दे रहे थे। पैसा इकट्ठा हो जाए तो भाई की जमानत भी हो जाए प्लस उसको मारने के लिए अच्छे असले के। We'll be right back.